सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाफर अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वे में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज वीडियो जो है स्पेशली ब्रिक्स के रिलेटेड है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि हम अगर साइट पे जाते किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे और हमने ब्रिक्स की क्वालिटी चेक करना है तो वो हम कैसे चेक करते हैं। आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक है, ये ब्रिक्स है और अभी इसकी जो टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं इस पर साइट अगर हमने क्वालिटी चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात यह कि आपने इसका शेप चेक करना है। इसका शेप इरेगुलर नहीं होनी चाहिए और इसमें जो स्टैंडर्ड साइज है इसकी 4 से 5 मिली तक इसमें वेरिएशन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने इंच टेप की मदद से इसको चेक करना है और आपने इसका साइज चेक करना है। सबसे पहले आपने इसका साइज चेक करना है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आपने इसका कलर चेक करना है। इसकी कलर सेम कलर होनी चाहिए और डार्क रेड कलर होनी चाहिए। ठीक हो गया। तीसरी जो है, तीसरी आपने इसकी साउंड चेक करना है। इस तरह आपस में ये मारना है और आपने इसका जो साउंड है ये मेटल रिंगिंग साउंड होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपने तकरीबन इसको 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर हाइट से आपने इसको नीचे फेंकना है। और ठीक है, पक्का फर्श होना चाहिए और आपने 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर फासले तक आपने इसको नीचे फेंकना है। ठीक है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो ये नहीं टूटेगी, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये टूट जाएगी। सपोज आपने इतनी हाइट से इसको नीचे गिराना है। अभी ये पक्का फर्श नहीं है लेकिन नॉर्मल जमीन है, आपने इसको इसी तरह नीचे फेंकना है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो ये नहीं टूटेगी। तो डियर फ्रेंड, आप इसी तरीके से इस पर साइट आप ब्रेक की जो टेस्ट है वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।